जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरे को बार बार मैसेज करके, यानी जितने मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं उसमें आप मान के चलिए 60-70% मैसेज एक ही मैसेज है, एक ही टाइप का मैसेज है। और मैं रिप्लाई भी, पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए भी सॉरी। ये मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आप देख ही रहे हो, जैसा कि ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो दोस्तों कई लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमारे फादर के नेम में प्रॉब्लम है, हमारे मदर के नेम में प्रॉब्लम है, या कुछ अलग अलग उनकी जो समस्याएं हैं, कुछ किस नाम में ये प्रॉब्लम है, किसी के फादर नेम में वो प्रॉब्लम है, तो बार बार मेरे को ये पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके वो सारे शक दूर कर दूंगा। साथ ही बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो SSGD से संबंधित मैंने टोटल जानकारी दे रखी है, कौन सी बेस्ट आपके लिए, या CRPF, BSF, CISF, इनकी क्या क्या ड्यूटी होती है, इनके बारे में वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ और फिजिकल से संबंधित भी वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ आपके ये प्रॉब्लम है, तो आज आपके मैं इस वीडियो में सारे शक दूर करूँगा। सबसे पहले शक दूर करता हूँ मेरे पीछे के बैकग्राउंड का। दोस्तों कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप कंटिन्यू जंगल में रहते हो क्या, आप जंगल ही जंगल में वीडियो बनाते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं जंगल में नहीं रहता, बिल्कुल सिटी में रहता हूँ मैं। ये जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हो, ये इधर ऐसा है कि जहाँ मेरा ये स्टूडियो बना रखा है मैंने, यहाँ पर एक फ़ोन रखने की जगह अच्छी है, इसीलिए केवल मैं यहाँ के वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे फ़ोन रख दिया, किसी को साथ में लेके आने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन पकड़ने के लिए, इसलिए ये बैकग्राउंड आपको बार बार देखने को मिल रहा है। पीछे पहाड़ी, आगे पूरी की पूरी सिटी है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं, बढ़िया जगह रहते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप हमेशा जंगल में ही रहते हैं कि जंगल में नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ा शक तो ये था, ये दूर कर दिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि आपके जो मदर फादर के जो नेम में प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूँगी, सबसे जो बड़ी बात है वो तो है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास की मार्कशीट। ये सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें आपके लिए बेसिक, अगर इनमें कहीं पे भी कोई भी चूक हुई, पुलिस वेरिफिकेशन या डिपार्टमेंटली वेरिफिकेशन होती है, मार्कशीटों की, जैसे आप जिस बोर्ड से पास करते हो उस बोर्ड से मार्कशीटों की वेरिफिकेशन अवश्य होती है, 100% होती है। अगर उसमें आप कहीं पे भी गलत पाए जाते हो, रॉन्ग पाए जाते हो किसी भी कंडीशन में, तो आपको उसी समय, आप चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे ज्वाइनिंग में हो, चाहे कभी भी कहीं पे भी हो, आपको घर भेज दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी नोटिस। साथ में आप पे पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ये ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ आता है। मैंने जो वीडियो बनाया इसकी टर्म्स और कंडीशन का, आप उसमें जाके देख सकते हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको टाइम हो थोड़ा सा आपके भविष्य के लिए, तो ज़रूर देख लेना कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। लेकिन अब बात आती है कि आपके फादर मदर, मैं एक बात पहले ही बता चुका हूँ कि फादर मदर, विलेज एड्रेस, कईयों के जो एड्रेस है मूल निवास, उनमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है स्पेलिंग में। तो पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों फादर मदर के सरनेम में, तो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है दोस्तों। अगर सरनेम में फादर या मदर का जैसे स्पेलिंग, जैसे बता दूं शर्मा, SHARMA, अब इसमें कहीं ए या एम कुछ गायब है, या ए नहीं है, कहीं आई नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास में, या एड्रेस में भी ऐसा हो रखा है, जैसे विपुली गांव है, विपल हो रखा है, ऐसा कुछ हो रखा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए आपको वहाँ पर जब ज्वाइनिंग होगी, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, जिस दिन आपसे भराए जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये मिस्टेक सही कर सकते हो, और वहाँ पर लिख सकते हो कि जैसे ओरिजिनल नेम है, जिस नेम से आपको नॉमिनी बनाने, जिस नेम से आपको डिपेंडेंट बनाने, तो वो डिपेंडेंट की डिटेल वहीं लिखनी है दोस्तों। आ गया समझ में कि अगर आपके सरनेम में कोई प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इस बारे में मेरे से क्वेश्चन मत करना इंस्टाग्राम पे इधर, क्योंकि मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इतना टाइम मिलता दोस्तों। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि सरनेम में सर मिस्टेक है, या गांव विलेज एड्रेस में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों बता दिया, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया, मेन चीज़ ये है कि आपका 10th क्लास का मार्कशीट, आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसमें कहीं पे भी कुछ पाया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है विदाउट एनी रीज़न, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपकी छोटी मोटी चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान है, लेकिन इनके लिए कोई समाधान नहीं है, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए आपको सीधी पुलिस कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। 10th क्लास मार्कशीट, यानी आपका नाम उसमें बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिस नाम से आप भर्ती हो रहे हो उसकी एज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, आपका जन्म प्रमाण के अकॉर्डिंग और 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा
आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको ओबीसी का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर दिए और आप जनरल कैटेगरी से हो और आप वेरीफाई में पकड़े गए तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ये पहले बता रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं पढ़ के फिर से एक बार सुना सकता हूँ। ये देखो, इन केस ऑफ ओबीसी पर्सन ऑफ द अपॉइंटमेंट इज द प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू गेट द अथोराइज्ड, यानी अथॉरिटी जब ये सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। इफ वेरिफिकेशन रिवेल देयर द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी और नॉट बिलोंग टू ओबीसी फेल्स, द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड फॉर विद विदाउट एनी रीजन। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका जॉइनिंग, मतलब आप ओबीसी से बिलोंग जो सर्टिफिकेट आपने लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर वो गलत पाया गया, आप ओबीसी से बिलोंग नहीं करते, आप जनरल से बिलोंग करते हो, तो आपकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी, मतलब आपको घर भेज दिया जाएगा विदाउट किसी रीज़न के। साथ में आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मदर फादर के कईयों के जो मदर फादर का जो नेम है वो ही गलत है। ये भी दो तीन मेरे पास में, मतलब दो तीन के ज़्यादा ही मैसेज आ गए, बहुत सारे, सब तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ जिनके मदर फादर के जो ओरिजिनल नेम है उसमें अगर प्रॉब्लम, तो दोस्तों पहले बता दूं कि आपकी जो टेंथ क्लास की मार्कशीट है उसमें आपके जो मदर फादर के नेम है अगर उसके अकॉर्डिंग उनके आधार कार्ड में अगर हो सके तो करा लेना। फिर भी अगर नहीं हो सके, कईयों को पूरा ही नाम चेंज है, जैसे श्री गीता या सिर्फ गीता लिख दिया, संगीता का गीता लिख रखा है, ऐसा भी कईयों के साथ हो रखा है। ये मैंने मैसेज पढ़ लिए, कमेंट बॉक्स में भी पढ़ता हूँ मैं हमेशा, आप कमेंट जो भी करते हो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, रिप्लाई जरूरी नहीं कि मैं कर पाता हूँ लेकिन पढ़ता हमेशा हूँ जितने पढ़ पाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप एफिडेविट बनवा सकते हो वकील से, कोर्ट से आप जाके एफिडेविट बनवा सकते हो कि ये जो मोहन राम है यही सोहन राम है, मतलब इसका प्रूफ होना चाहिए कि इसका नाम मोहन राम है मेरे डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन मतलब डॉक्यूमेंट्स में मोहन राम है लेकिन ऐसे इनका नाम सोहन राम है लेकिन मेरे फादर यही मोहन राम है, तो मतलब जिनके जो मिस्टेक हो रखी है तो वो एफिडेविट बनवा सकते हैं, वो प्रूफ एज प्रूफ मान लिया जाएगा दोस्तों। तो अब इसका डाउट नहीं रहा आपको, इससे संबंधित अब आपके क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़्यादा, कि अगर आपके मतलब फादर के नाम में या मदर के नाम में जो प्रॉब्लम, जैसे मदर का नाम जैसे कोई गीता नाम है उसका संगीता हो रखा है, तो आपको एफिडेविट में लिखना है कि जो ये संगीता है जिसके सर्टिफिकेट में इन्हीं की पुत्री हूँ और इन्हीं का नाम गीता है मेरे डॉक्यूमेंट्स में और ये शुरू में ऐसी ऐसी मिस्टेक हो रखी, वो अटेस्टेड हो जाएगी और वो अटेस्टेड का जो एफिडेविट बनेगा आपको वकील से वो आप जाके जमा करा देना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये दो डाउट क्लियर हो गए, सरनेम की प्रॉब्लम, एड्रेस प्रॉब्लम, साथ में आपके मदर फादर के जो ओरिजिनल नेम में प्रॉब्लम है वो भी आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके साथ में अगर बात करें कईयों के खुद के, आपका पैन कार्ड में बिल्कुल राइट होना चाहिए नेम में, आपने पैन कार्ड बना ही लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लो दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपने अगर पैन कार्ड नहीं बनाया है तो बना लो। आपके आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बिलोंग टू यू, यानी आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उनमें आपका नाम में कहीं कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया, इससे संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और उस पर वीडियो जल्दी से बना दूंगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करता रहिए।